ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर चीज वही होता है सर, ऐसा ही कि क्वेश्चन आ गए हैं सारी चीजें। आज मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ बहुत सारा, आज आपको करने के लिए बहुत कुछ है, चिंता ना करें, ठीक है ना। आज आपको पता ही है, आज आपको करने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, आपका होमवर्क होगा, है ना। SI की PDF मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जब परेशान होते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए सर, बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, ज्यादा आ रही है क्या, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या। हाँ तो भाई थोड़ा बहुत हो रहा है तो मैनेज कर लो, ज्यादा हो रहा है तो बताओ। शुरू करते हैं क्लास को, है ना। चलिए तो ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट की वो है, पूरी की पूरी फाइल, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट की पूरी फाइल मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो आप मैनेज कर लो, आप सिंपल इंटरेस्ट की फाइल आ चुकी है, ये मैं वहां भी डाल दूंगा, आप देख लो। अब आगे चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो चलिए जाते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है क्या, कुछ वॉइस प्रॉब्लम है, साउंड कम है, साउंड ज्यादा ऐसे बोल रहे हो। वॉइस लो है, नॉट क्लियर है। अच्छा एक मिनट रुको, फिर यार स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, सबको आवाज तो आनी चाहिए यार। चलिए हाँ, सॉरी सर जी, मैं कल डाउट तो आपने सॉल्व कर दिया, बट ठीक है। चलिए, शोर बहुत है, शोर आ रहा है, कार्य मैथ भी इशू। हाँ चलिए, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं ना। बैकग्राउंड ज्यादा आ रहा है क्या, ओके क्या करना है। चलिए एक मिनट रुको, वेट करना। सारे में लोग इसमें, ये तो खाली बाहर की जगह ले रहा है, मेरी कम ले रहा है, कोई है ही नहीं, देखी नहीं आपने। चलिए, PDF आपको डाल दिया गया है ना, PDF आपके अपडेट में डाल दिया गया है, ठीक है, PDF आपके अपडेट में डाल दिया गया है। PDF तो सबको मिलता है भाई, है ना। हेलो, अब ठीक है क्या, अब बताओ, अब ठीक आ रही है साउंड। हेलो बता दीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है, चक्रवर्ती
ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज का असली मतलब ही क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है, हर एक ब्याज के ऊपर भी ब्याज आएगा, यानी कि मूलधन के ऊपर तो आएगा प्लस प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज आएगी, प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज आएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, जो पहले साल होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, क्या कोई पहले साल का ब्याज आएगा? नहीं, फर्स्ट ईयर में जो भी ब्याज होगा वो उसके खुद के एक साल का ब्याज होगा, जो कि प्रिंसिपल पर होगा। तो फर्स्ट ईयर में केवल क्या होता है, केवल प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लिया जाता है, ठीक है, और यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है और यही आपका सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज आता है, क्योंकि पिछले ब्याज तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकंड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज आता है ना, उसके ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है, और प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज होता है वो तो आता ही है, प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट होता है वो तो आता ही आता है, और फर्स्ट ईयर के ब्याज के ऊपर भी ब्याज आता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी आता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सारी कंडीशन समझ में आ रही है। अब चलते हैं आगे, हर एक चीज को क्लियर करते हैं कि क्या होता है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज इतना कठिन क्यों लगता है आपको, जबकि सबसे ज्यादा आसान है ये। चलिए, तो अगर हम आगे बात कर रहे हैं, अगर हम अब चीजों को देख रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पी को हम प्रिंसिपल ही मानते हैं, जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ चुके हैं, पी आपका प्रिंसिपल है, आई आपका क्या है, इंटरेस्ट, आर आपका क्या है, रेट है, ठीक है, आर आपका रेट है, ए आपका अमाउंट है, ठीक है, हाँ, तो ए आपका क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। तो अब मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपसे होगा नहीं, ठीक है। ये मूलधन है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज है, और ये रेट है, दर है। तो सारा खेल किसका होता है, सारा खेल क्या है, दर का होता है, सारा का सारा खेल क्या होता है, दर का होता है। अब सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो तभी समझ में आएगा, बिना कमेंट किए। सारा खेल आपका किसका होता है, रेट का होता है, रेट ही आपकी दर होती है, और दर की परिभाषा क्या है, एक साल का ब्याज जो मैंने बताया था, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कह दें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर इंटू, हाँ, अब मेरी बात यह है कि सर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जब से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं ना, सभी लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट उससे काफी अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे काफी अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में रिलेशन निकालना चाहते हो, तो 1 + R/100 की पावर टी हो जाएगा, 1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये अमाउंट और प्रिंसिपल वाला केस है, ठीक है। अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा देंगे। यानी कि यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि आपका जो अमाउंट है प्रिंसिपल, 1 + R/100 की पावर t - p। अब ये बहुत गंदा सा लग रहा है ना कि सर ऐसे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन हम, ये बहुत अजीब है, लेकिन ये क्या है, बेसिक है इसका, ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकालना है इस तरह से। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ते, हम इसको रेशो में लेके चले जाते हैं। हम इसको किस में लेके चले जाते हैं, क्वेश्चन को, ये जो चीज है ना, इस बेसिक को हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, अनुपात में। अब देखिएगा जरा कैसे करते हैं। चलिए, अब यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपके सामने आपकी रेट दे देता हूं 20%, मैंने आपको क्या दे दी, आपकी दर दे दी, 20% अगर मैंने आपको दर दे दी है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा, बोलो। तो जैसा कि हम रेट की डेफिनेशन जानते हैं सर, 20% यानी कि 1/5, अगर 5 आपका प्रिंसिपल है और 1 आपका साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज तो ब्याज होता है, पहले साल का तो साधारण ब्याज ही रहेगा ना, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 5:6 हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो आ जाता है, सर ये तो समझ में आ गया। मैं कहूंगा यहाँ समय मैंने 2 साल दे दिया, तो आप क्या कह रहे हो, 5 से 6 का एक बार और गुणा कर दो। तो यहाँ कौन सा केस लगता है, यहाँ गुणा होती है चीजें, सक्सेसिव केस लगता है। कारण क्या है वो भी बताऊंगा,
अब सब चीज समझ में आएगी आपको। तो यहाँ क्या मैं कह सकता हूँ कि 25 आपका प्रिंसिपल का अनुपात होगा तो 36 आपका क्या होगा, अमाउंट का अनुपात होगा। 25 अगर आपका मूलधन होगा तो 36 आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि कल को मैं अगर आपको कह देता हूं कि मेरा जो मिश्रधन है वो 14,400 रुपया है, तो मुझे बताइए कि मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा? अमाउंट इतना रुपया है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 36 को आप किसके बराबर कर दोगे, 14,400 के बराबर कर दोगे। तो 1:400 आ गया, तो 25×24 100, यानी कि 10,000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल 25 अनुपात था। अब ये तो आपने सीख लिया, लेकिन इसको हम रिलेट कैसे करेंगे सर? बात है कंसेप्ट को रिलेट करने की। तो बड़ी प्यारी चीज बताने वाला हूं और बहुत आनंद भी आ जाएगा कि ये कौन सा मेथड है, ये रेशो मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली सक्सेसिव केस लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर रेट आपकी 20% दे रखी है और समय आपका 2 साल दे रखा है, तो इसको बेसिक से आप कैसे करते? तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1+ दर/100 की पावर 2 साल। यही करते या नहीं करते, बोलो यही करते या नहीं करते? यही करते ना, बिल्कुल यही करते सर। फिर क्या करते आप, इसको हल करते, इसको आप सॉल्व करते, तो देखो क्या आ रहा है, अमाउंट इस प्रिंसिपल को मैं नीचे लेकर आ गया, तो ये सर यही तो हो रहा है, 6/5 का स्क्वायर, अमाउंट और प्रिंसिपल 36/25। बस अब कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, मैंने इस खड़ी हुई चीज को ऐसे लेटा दिया बस, और कुछ नहीं किया, 5 से 6, 5 से 6, लेकिन है तो बेसिक ही। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम कोई अलग चीज कर रहे हैं ना, बेसिक ही तो है, लेकिन इसको मैंने ऐसे लेटा दिया बस, आसान हो गया ना। जब फॉर्मूला ना लगाना पड़ता तो आसान हो जाता। अब आपको देखो कंसेप्ट क्लियर करता हूं, यहां पर देखो मैंने गुणा क्यों किया, मैंने अपनी मर्जी से गुणा किया क्या? नहीं। अरे सर कॉन्सेप्ट है क्या, पावर है ना सर, पावर ऊपर पावर लगी हुई है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर पावर लग जा रही है इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। 2 2 साल 3 साल होता तो क्या करता, 3 बार गुणा करता। समझ में आ रही है बात? तो क्यों गुणा होता है पावर से, क्यों साल पे डिपेंड करता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता हूं तो वो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं पूछूंगा तो वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 11 अनुपात हो जाएगा 4400, कितना हो जाएगा, 4400 रुपया। ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हर एक चीज क्लियर हो गई आपको? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला कंसेप्ट देखें। अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगर मैंने आपकी जो दर है, अभी आराम आराम से समझेंगे, बहुत कुछ समझना है भी, है ना, घबराना नहीं। अगर मैंने आपकी दर है जो 20% मानी है, और अगर मैं आपका समय बोल देता हूं 3 साल, तो चलो मुझे बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा। तो इस वाले मेथड से हम उसके अनुपात 4400 कैसे, यार 4400 कैसे बताऊं क्या भाई, किसको जानना है 4400 कैसे? मेरे भाई ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट में से प्रिंसिपल जाता है, मिश्र धन में से मूलधन जाता है, तो 11 अनुपात आ गया और 1 अनुपात बराबर 400 है, तो 4400 हो जाएगा ना। चलो अब मुझे बताओ कि अगर 20% आपकी रेट है तो ये 1/5 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 5 से 6 1 साल का, 5 से 6 दूसरे साल का गुणा, 5 से 6 तीसरे साल का, तो ये कितना हो रहा है, 125 216, 125 216। चलिए चीजें क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा सारा चीज। चलिए और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 91 रेशो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, है ना, ये सब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें यहां तक, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया यहां तक,
तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टफ है ये चीज, टफ नहीं है, बस समझने समझने वाले का होना चाहिए मतलब। ठीक है, कहने का मतलब इतना सा है मेरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कि कहने का मतलब है कि ये मेथड जो है, ये जो मेथड है ना, ये मेथड कब कब काम आ सकता है ये सोचो पहले, ये मेथड कब कब काम आ सकता है। पहली चीज सर, ये मेथड आपके प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात निकालने के काम आ सकता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो अनुपात निकालने के काम आ सकता है। दूसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इससे निकल सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इससे निकल सकता है। क्या हम इस मेथड से, क्या हम इस मेथड से 1.5 साल 2.5 साल इनको भी हल कर सकते हैं क्या, या फिर 2 साल 73 दिन, या फिर 1 साल 73 दिन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो कुछ जादू सीखने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रीम मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आज कुछ नया सीखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। कुछ अच्छा सीखने के लिए थोड़ा देखो इंतजार करना पड़ता है। देखो मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने आपको रेट दे दी 20%, तो रेट पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, अगर अच्छी रेट है या बुरी भी रेट है। हाँ वो तो हो गया, 10 मिनट बाद है रो। ठीक है, ठीक है, ये 20% है। अगर मान के चलो मैं बोल देता हूं 1.5 साल, 1.5 साल, तो 1.5 साल का मतलब क्या है, 1 साल और आधा साल। 1.5 साल का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज और आधे साल का ब्याज। तो 1 साल, ये जो रेट होती है वो क्या होती है, वार्षिक होती है, जो रेट होती है वार्षिक है ना। तो 20% रेट ले लो 1 साल के लिए, यानी कि 5 से 6, और आधे साल के लिए 10% ले लो, बात खत्म। तो ये एक शानदार तरीका होता है, कभी भी आप अमाउंट और प्रिंसिपल का डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हो। अगर मैं बोलता हूं आगे, आगे मैंने बोला कि रेट आपको दे रखी है 15%, रेट 15% दे दी, और टाइम आपको दे दिया मैंने 1 साल 73 दिन। बताओ भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 10 से 11 कैसे? चित्रांगना अग्रवाल, 20% 1 साल की रेट है, तो आधे साल की कितनी हो जाएगी रेट, आधी हो जाती है ना। ये तो पता होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, रेट आधी हो जाएगी ना आधे साल की, आधे साल का ब्याज आएगा, आधे साल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब 15% आ गया, तो 15% के लिए पूरा का पूरा 1 साल कितना हो जाएगा, 20 से 23, और 15 साल 73 दिन के लिए क्या होता है, 1/5 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 365 का 1/5 हिस्सा है, 20 से 23, और ये कितना हो जाएगा, 3%, तो 3% का क्या हो जाएगा, 100 से 103, तो आंसर ये आ गया। लो 2000 23 तिया 69, 20 और क्या कहते हैं, 23 तिया 69 तो 6 आ जाएगा, 20 और 6 26। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, समझ में आ रही है क्या? 2369 ना, 2369 आएगा ना, 103 × 23 कर रहे हैं, तो 2369 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे चीजें सीखने में दिक्कत है क्या सर? ई कंसेप्ट पहले नहीं बताए थे, तो हर बार कुछ नया होता है ना सर। 73 डे 1/5 कैसे सर? 73 दिन के लिए कैसे लिया? 71 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में होते हैं 365 दिन, 1 साल में। तो 73 क्या होता है, 73 का पहाड़ा याद है क्या? 73 वन जा 73, 73 टू जा 146, 73 3 जा आपके सामने कितना हो जाएगा, 73 3 जा 219, 73 4, 73 × 5 होता है 365। तो इसी वजह से मैंने 73 को क्या लिख दिया,
365 दिन ही तो होते हैं, तो 1/5 ही तो होगा सर, हमेशा 73 देगा एग्जामिनर। हाँ 73 के मल्टीपल में ही देगा वो, क्योंकि उसको पता है तभी काट पाएंगे, है ना। अब बात समझ में आ रही है आपको, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि आप 1.5 साल का, 2.5 साल का, 2.5-3 साल का सबका निकाल सकते हो, बस रेट आपको चेंज करनी है। सर 100 से 103 कैसे? जब रेट आपकी मैं 1/5 कर दूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि 73 दिन का ही तो निकालना है मेरे को। अगर 73 दिन का निकालना होगा तो मैं 1/5 करूंगा ना, क्योंकि ये तो साल भर की है और मुझे 1/5 साल की निकालनी है, यानी कि 3%, तो 100 से 103 ही तो होगा रेट। 3% हो जाएगी तो 100 से 103 ही तो होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो उससे क्या होता है कि ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी हैं, आप इन चीजों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, रेट को भी मैनुपुलेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत हो जाती है कभी भी अगर बुरी परसेंटेज आ जाए तो, ठीक है, कंपाउंड। हाँ चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई? रिपीट क्या हो गया इसमें भाई? देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि और अच्छे से समझ पाओगे। बुरी के लिए ट्री लग जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, रेट आपको मैंने दे दी, रेट मैंने आपको दे दी 25%, रेट 25%, टाइम मैंने आपको दे दिया कितना, 2 साल, 2 साल 73 दिन, या फिर 2 साल ऐसे बोल देते हैं, 2 साल 146 दिन। तो बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना होगा? उसी के मल्टीपल में होगा पूजा, 73 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि फिर दिन को आप हिसाब किताब नहीं कर सकते ना। तो 25% क्या होता है? 1/4 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5, ये तो 2 साल के लिए पूरा पूरा हो गया। अब इस 25% की साल भर की रेट है ये, लेकिन 146 का क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा इसका। तो ये कितनी बार जा रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि 10 से 11, तो आपका कितना हो जाएगा, 160 से कितना हो रहा है, 275। आप काट सकते हो, 5 से 2 बार काट सकते हो इसको, तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 से 55 हो रहा है। लीजिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, खत्म बात। तो आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हो। 2/5 कहाँ से आया सर? अरे 146 दिन को साल में कन्वर्ट करना, 146 दिन को साल में कन्वर्ट करोगे तो 365 का ही तो भाग दोगे भाई, नहीं कर सकते भाई अभिषेक ये, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, है ना, ठीक है। तो ये 2/5 ही आएगा ना, 73 दूनी 146, 73 पंजे 365, तो ये 2/5 ही आएगा, ठीक है, क्लियर सर? देखा आया नंबर 73 का मल्टीपल। हाँ तो बेसिक से टाइम लग जाता है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो ये तो आपका एक मेथड हो गया जिसको आपने आज और डिटेल में सीख लिया, कुछ और भी नई चीजें सीखी है। तो ये कब अच्छी परसेंटेज के लिए लगता है, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छी परसेंटेज में आपको ये भी याद रखना है कि अगर 10% आ जाए, और 2 साल की बात करूं तो मैं हमेशा बात करूंगा 2 साल की, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्यों, कल को कोई काम भी पड़ जाता है ना, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो काम आ जाता है। अगर मैं 20% लेता हूँ तो आपकी, आपका अगर 2 साल के लिए बात करूं तो ये आपको याद रखना है कि भैया 44% हो जाएगा। सर ये आता कैसे? अब आपको ये हर चीज निकाल के नहीं बताऊंगा, ये एक बार में सीख लो बस, x+y + xy/100 से आएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, लो वही 15% का निकाल के बताओ, तो 15 का कितना हो जाएगा, 30, और 15 का होता है 225, 32.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32.25%। कैसे आया, बस यहाँ 15 और 15 दो बार रख दिया आपने, बस हो जाएगा काम। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 18 का निकालो, 18% का क्या होगा 2 साल के लिए, तो ये आपको क्या मुंह जवानी होना चाहिए, जैसे कि मुझे याद है 18 18 36, तो ये हो गया 18 का स्क्वायर 3.24, 36 और 3, तो यहाँ पर आपका 39.24 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि अपने आप आती है दिमाग में चीजें, ये आपको रटने की जरूरत या फिर ऐसा दिमाग से अपने आप निकल के आएंगी, ठीक है। तो इनको आप दिमाग में रखना केवल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम नहीं कर पाएंगे, 3 साल के लिए हमारे बस की भी नहीं है, 3 साल के लिए हम मेथड यूज कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे हम। बात समझ में आ गई, ये बात।
ठीक है, चलिए। अब आगे देखते हैं, है ना, 3 साल बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई हमने सिंपल मेथड सीख लिया, सक्सेसिव सीख लिया, और अब चलते हैं आगे ट्री कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तो हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कर सकते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे कैसे निकाला जा सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला, दूसरा, अगर कभी भी ट्री मेथड की बात करी जाए, ट्री मेथड की बात कभी भी करी जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ट्री मेथड बहुत उपयोगी है। आपको हर अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो ट्री मेथड में भी रेट का बहुत बड़ा रोल है। रेट मान के चलिए, हमने मान ली कुछ भी मान लो, 16 से ही 2/3 ही मान लो, बुरी परसेंटेज ही मान लो, ठीक है। हाँ सर, क्या सर हम रेशो मेथड से डिफरेंट निकाल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं निकाल सकते डिफरेंट? डिफरेंट क्या होता है भाई? डिफरेंस होता होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका टाइम आपका 2 साल है, टाइम आपका कितना है? 2 साल है, ठीक है। तो ये पूरा 2 साल है ना? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 1/6 है। अब आपको स्टेप क्या लेना है? पहला स्टेप आप चुनेंगे कि आपके जो डिनोमिनेटर है ना, इसका स्क्वायर आप मान लेंगे, इसका स्क्वायर आप मान लेंगे 36। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप मान लेंगे 36। स्क्वायर क्यों माना? अगर अगर आपकी 2 साल का समय दे रखा है तो आप स्क्वायर ही तो मानेंगे। 2 साल का समय आपको दे रखा है तो आप स्क्वायर मानेंगे। 3 साल का दे रखा होता क्यों मानते? तो ये आपने मान लिया प्रिंसिपल, पहले साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा इस मूलधन पर, इस दर से गुणा करने पर? पहले साल का साधारण ब्याज 6 आ गया। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो दूसरे साल का भी 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि दूसरे साल को पहले साल के द्वारा ब्याज, ये ब्याज ही तो है, इसके ऊपर भी ब्याज दिया जाएगा। तो 6 पर इस 1/6 रेट से 1 ब्याज आ गया। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बन रहा है? यहाँ पर ये जो बन रहा है, ये आपका बन गया CI, हो गया TRERA। क्या हो गया? CI आप गया 13। और आप इसको यहाँ देख सकते हो कि आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब आप लोग बताओ, ये 6 और 6 12 क्या है? ये 6 और 6 क्या है? 12 आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है सर। तो फिर ये जो एक लटक रहा है, ये क्या है? ये एक क्या है? डिफरेंस है। एक क्या है? डिफरेंस है। तो हम ट्री मेथड से क्या कर सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन हम उससे नहीं निकाल सकते। रेशो मेथड से हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है, अनुपात वाले से, ठीक है। क्या हम एक यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी देख पा रहे हैं? हाँ। CI कैसे आया भाई? ये प्रिंसिपल ही तो है, ये सॉरी, ये इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका ये भी इंटरेस्ट, तो ये पूरा का पूरा CI है। 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। अब आप कहोगे, अरे सर ये तो बहुत आसान था, ये तो हम बहुत अच्छे से कर लेते, जैसे कि रेशो मेथड लगाओ इसमें। अरे सर बुरी परसेंटेज होती तो क्या करते? इसको भी हम कर लेते, 6 से 7 6 से 7, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? 36 से 49, ये CI आ गया 11, आ गया ना, आप खुश हो गए। लेकिन कुछ चीजें आप नहीं निकाल पाते, जैसे कि डिफरेंस कितना रेशो होगा? 1 रेशो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे केवल ये बता दो कि केवल दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, सेकंड ईयर का CI कितना है, ये बताओ, केवल और केवल सेकंड ईयर का। तो सेकंड ईयर का यहां से कैसे पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा, केवल यहां से पता लग रहा है, केवल और केवल 7 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नहीं पता लगा पाते, ठीक है। हाँ, तो हर चीज की एक यूटिलिटी होती है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं आगे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नाम की चीज होती है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करता है?
आप जो प्रिंसिपल मानते हैं या जो प्रिंसिपल दिया होता है, जो प्रिंसिपल मानते हैं या जो प्रिंसिपल दिया होता है, या तो जो प्रिंसिपल आप मानते हैं या जो प्रिंसिपल आपको दिया होता है, ठीक है, चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको ले लो, बस प्रिंसिपल को ले लो आप, तो उस प्रिंसिपल को रेट से गुणा करते जाओ, किससे, रेट से। तो गोलू भाई, पढ़ाई करनी है, क्या करना है तुम्हें जीवन में, बताओ मेरे को, इन सब चीजों में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। चलिए, अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर मैंने क्या कहा था आपसे कि आप मल्टीप्लाई फैक्टर से इसको कर सकते हैं, एक मिनट, निवेदन सुन लेते हैं किसी का। श्यामानंद सर, आपसे नंबर निवेदन है कि सभी सभी का आंसर को एक छोटे से टेबल में, रुकना, इसके बाद में दे दें, हम सॉल्व कर लें, हम सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व, गलत गलत सर मैं हाँ, अब मेरे को ये बता दो भाई, श्यामानंद कुमार कह रहे हैं सर आंसर की दे दिया करो, तो अब मैं सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि आंसर की आती नहीं है क्या शीट में, वो शीट तक पहुंचता ही नहीं है लास्ट तक, चक्कर ये है ना भाई, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आप बस लिखना है, डाउट है, हर शीट में आंसर की दी जाती है, जिस तरह से आज भी दी गई है ना, आज भी दी गई है रेलवे बूस्टर की आंसर की, ठीक है, हर किसी में, हर किसी चीज की दी जाती है, प्रॉफिट लॉस की सेकंड वाली पीडीएफ की मैं दे दूंगा, बस उसके मैंने कहा था मैं सॉल्व कराऊंगा, सेकंड वाली की नहीं, पहली वाली तो मैंने की है, ठीक है, चलो अब देखो, पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, चलो ना पढ़ाई करते हैं, चलो, जो प्रिंसिपल मानते हैं, अब आपको क्या दिया गया है, जैसे कि आपसे बोल दिया मैंने कि आपकी रेट मैंने मान ली 14 सही 2/7 है, 14 सही 2/7% है, क्या है, हाँ 14 सही 2/7% है, तो ये बताओ मेरे को, अगर मैं 2 साल का आपको क्या दे देता हूँ, समय दे देता हूँ, तो मुझे ये बता दो कि भाई साहब आपका प्रिंसिपल आप क्या मानोगे, तो ये मानने वाला प्रिंसिपल कितना है, 49 है ना, तो आप मल्टी फैक्टर में क्या कर सकते हो, 49 × 1/7 एक बार गुणा करोगे 7 आ गया, 7 को फिर एक बार गुणा करोगे फिर 1 आ गया, बात समझ में आ रही है, इसमें केवल 2 ही बार गुणा हो सकता है, तो वही 2 ही बार किया है क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर 2 का गुणा करना होता है, यहाँ पर 1 का गुणा करना होता है, तो 15 आ गया ना, तो ये क्या है, अच्छा है, यहाँ से क्या क्या फायदा हो रहा है आपको, हाँ यहाँ से क्या फायदा हो रहा है, यहाँ आपका केवल डिफरेंस निकल जाता है लास्ट वाला भाग, केवल मतलब लास्ट के ऊपर वाले को छोड़ दो, केवल टॉप वाले को छोड़कर जो नीचे वाले सारे होंगे ना, टॉप वाले को छोड़कर नीचे वाले सारे होंगे, वो डिफरेंस हो जाता है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं 3 साल के, 3 साल की मैंने आपको रेट दे दी कितनी, 12.5% दे दी, और 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, रेट आपकी 12.5% है, 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले ट्री मेथड लगाएंगे फिर आगे वाली चीजें सीखेंगे,
देखो तो खैर, अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं आपको कि भाई साहब आपकी जो ये है वो 1/8 हो जाएगी, 3 साल आपका है तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा? 512, 512 हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, पहले ट्री मेथड लगाते हैं, अगर आपसे मैं बोलूं कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,240, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,240, ये प्रिंसिपल इतने रुपए गिवन है, फिर भी हमने प्रिंसिपल को क्या माना, 512 माना है, फिर भी हमने प्रिंसिपल को क्या माना है, 512 माना है। ट्री मेथड की बात करता हूँ, 3 साल की बात कर रहा हूँ, तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा बताओ, पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा, पहले साल का ब्याज हो जाएगा 512 का इस दर पर जो ब्याज होगा वही पहले साल का ब्याज होगा, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज यही रहेगा, तीसरे साल का भी यही रहने वाला है। तो ये आपके समझ में आ गया कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है अपना, ये सिंपल इंटरेस्ट है 64 64 64। अब क्या किया जाता है, अब पहले साल वाले ब्याज को, पहले साल वाला ब्याज दूसरे साल वाला पहले साल वाले से ब्याज लेता है। भाई ब्याज दो किस रेट पर लेगा, जिस रेट पर जो भी चल रहा है हमारा बिजनेस, 1/8 पर, तो 8 आ गया। दूसरे साल वाला पहले साल वाले को, तीसरे साल वाले को भी दे, पहले साल वाले को, पहले साल वाला तीसरे साल वाले को भी देगा, बिल्कुल ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज वाली काम है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज वाला, ठीक है सर। अब आप लोग मुझे बताओ काम हो गया क्या पूरा, क्या पूरा लेन देन हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो पहले वाले को फ्री किया है, पहले वाले ने दोनों को दे दिया, हो गया काम। अब क्या होगा, अब दूसरे साल वाला तीसरे साल वाले को देगा, अब दूसरे साल वाला तीसरे साल वाले को देगा, यानी कि यहां पर 64 के ऊपर 8 और 8 के ऊपर 1। बात यहां तक क्लियर हो गई क्या? अब ट्री मेथड बहुत काम का मेथड है, यानी कि इसकी कोई होड़ नहीं है, ठीक है, इसकी कोई होड़ नहीं है ट्री मेथड की, क्योंकि आपके लिए ट्री मेथड बहुत काम का मेथड है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि जो भी आया, ठीक है ना, जो भी ये आया ये आपका क्या आया, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या सर आप तो डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो? अरे कौन सा डाउट है भाई इसमें, अब पहले पढ़ तो लो तभी तो डाउट क्लियर होंगे आपके, ये पढ़ाई डाउट क्लियरेंस होती है भाई, पढ़ाई करो पहले, है ना। 64 हाउ, 64 कैसे आया तुम यार, फिर अभी आए हो है ना, इसका मतलब आप शुरू से देखना सब समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल पर एक इस रेट से जो ब्याज आता है यही 64 है, कैसी बातें कर रहे हो, है ना। और 64 से 8 आया क्योंकि रेट को आप मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, कोई भी चीज होती है 64, हाँ रेट से मल्टीप्लाई करने पर आता है, ठीक है। 8 एक कैसे आया, ये 8 वाला भी तो ब्याज देगा ना इसको, 8 वाला भी तो ब्याज देगा इसको, इसी वजह से आ गया। बात क्लियर है? चलिए सेकंड, हाँ तो अब यहां पर अब मेरी बात सुनना, अब एक एक चीज निकालता हूं मैं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मुझे आप ये बताइए सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना हुआ, केवल और केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, केवल और केवल सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैं जान रहा हूं कि 512 बराबर अगर ये है, यानी कि 1:20 रुपया है, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड 72 रेशो है ना, इंटू 20, तो हो जाएगा 1440। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताइए सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में, सॉरी थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में जो सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट आया है, जो सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट आया है वह कितना है, थर्ड ईयर में जो सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट आया है, तो सेकेंड ईयर से कितना आया है, 8 और 1, केवल यही दो पार्टी तो आए हैं, तो केवल 9 * 20, 180 आंसर। कॉन्सेप्ट है,
ये जो अंदर की चीजें हैं ना, आप प्री मेथड से ही कर सकते हो, ठीक है? प्री मेथड से ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं होंगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी नहीं होंगी। अब इस क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है तो कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ? मैं सेम क्वेश्चन आपको देता हूँ कि रेट आपकी वही 12 सही 1/2% है, रेट आपकी ये है। आपका समय कितना दे रखा है? 3 साल। तो हम प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,240, ठीक है? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना चाहो तो पूरे साल की बात की जा रही है तो कर लो ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, कहां दिक्कत आ रही है? ये हम जानते हैं कि ये 1/8 होता है, और हम प्रिंसिपल जो मानते हैं वो 512 मानते हैं, डिनोमिनेटर का क्यूब। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या किया जाता है देखो जरा, 512 का 1/8 से गुणा, कितना आ रहा है? 64। 64 का 1/8 से गुणा, 20% से 2 साल का इंटरेस्ट 11 होता है, आपने 44 बता दिया आराम से, मस्त रहो, कोई दिक्कत ही कहाँ आ रही है? अब जब अपने हिसाब से गणित चली रही है तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको भाई? यहाँ मैंने कंसेप्ट बताया ना आपको, 20% से 2 साल का 44% होता है। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्यों होता है, जब हर चीज क्लियर कर दी है और दिक्कत है तो भाई निकाल के देख लो ना। 20% दे दिया मैंने, 20% क्या होता है? 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 25 आपका प्रिंसिपल है, 36 आपका वो है, तो 44% ही आ रहा है। ठीक है, क्या करें बताओ? चलो, तो तुम शुरू से नहीं आ रहे हो ना, इसी वजह से दिक्कत होती है, स्टार्टिंग से क्लास को देख नहीं रहे हो। चलो इसका क्या करते हैं, हम 3 बार गुणा करेंगे, इसका हो गया 8, और फिर इसको 8 को 1/8 से कर देंगे तो हो गया 1। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी सब लोग बात सुनो, सब लोग सुनना सर, रेट कैसे सर रेट कैसे लिखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी अभी आ रहे हैं, जो भी अभी जुड़े हैं, नए बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, जिनको कुछ नहीं आता, वो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि स्टार्टिंग से देखें भाई, पिक्चर में बीच में मत घुसो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखो जाकर भाई साहब, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों खरीद लिया कोर्स, है ना? मैं बता रहा हूं, एक बार शुरू से देख लो, फिर दिक्कत आए तो फिर मैं खड़ा हूं, समझ में आ गई बात? तो ये लगेगा, हर किसी को लगता है, जब वो 2-3 महीने पढ़ लेता है ना, और जब उसको क्वेश्चन आने लग जाते हैं तो फिर उसको लगता है कि हाँ मजा आ गया सर। तो प्लीज आप इंटरप्ट मत करो, शुरू से जाके देखो, फिर आपको कोई डाउट आएगा ना बाद में तो हम क्लियर कर लेंगे, पहले आप देख के आओ, क्योंकि फिर आपको क्या, अब यही तो होता है। अब मैं इतने सारे स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, उनको सब समझ में आ रहा है कि सर 1/8 क्यों आया, ये 64 क्यों आया, सब समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, कारण यही हो रहा है, आपको पता नहीं है ना कि क्या कहानी चल रही है पीछे से, है ना? चलिए, तो आप है ना बीच में से आओगे तो दिक्कत आपको ही आएगी, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो फिर मैं भी समझ नहीं पाता हूँ। चलो जरा देखो, अब यहां पर ये चीजें देखो, अरे सबकी बात सुनूंगा प्रिंस, लेकिन बात क्या है ये बताओ ना पहले, हर किसी की बात है कुछ ना कुछ, बहुत सारे हैं, फिर मेरा पढ़ाना नहीं हो पाएगा ना, इसी वजह से मैं पहले क्या पढ़ा लेता हूँ बात, फिर बात की बात बाद में हो जाती है, ठीक है? सैंपल अदवारे पुराना वाला चैप्टर कहाँ से मिलेगा? पुराना वाला चैप्टर इसी में मिलेगा आपको, आपने ऐप खोली है, सब कुछ उसी में ही है, उसके बाहर, उसके अंदर बहुत कुछ है, हर एक चैप्टर है, एडवांस मैथ का कोर्स है, नंबर सिस्टम का कोर्स है, मेरा पहला अर्थमेटिक का कोर्स है, सब कुछ है वहां पर,
जाकर देखो, ठीक है? सारे कोर्स में मिल जाएगा आपको। एक दो दिन ऐप को चलाना सीखो यार भाई। आप जैसे टिकटॉक चलाते हो, टिकटॉक पे वीडियो बनाना सीख गए ना, शुरू में खोला था ना तो नहीं आता था, मेरे को आज तक नहीं आता। तो टिकटॉक जैसी वीडियो, टिकटॉक को सीख गए तो ये भी तो एक ऐप है, उसको भी सीख जाओगे। तो सीख जाओगे, एक एक दो बार देखो कि कौन सा कोर्स कहाँ मिल रहा है, सब सीख जाओगे अपने आप। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक तरीके से कि भाई आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं सीखोगे। चलो ठीक है, आप इसको देख लेते हैं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा करते हैं, इसमें 3 का गुणा करते हैं, इसमें 1 का गुणा करते हैं, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं आपके सामने कि भैया देखो, 4 3 12, 6 3 18, 192, वही आ रहा है यहाँ पर। आप सबको जोड़ोगे तो वही निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है, जो आपने यहाँ पे किया 217, है ना? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल के लिए देखो मैंने 3 3 1 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 64 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। ठीक है, 8 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, और 1 कितनी बार आया, 1 बार आया। इसी वजह से ही किया जाता है, मतलब है वो ट्री मेथड ही, एक तरीके से है वो ट्री मेथड ही। ठीक है, चलिए सर इस ट्री मेथड से रेट निकालने बता दो। ट्री मेथड से रेट निकालना आसान होता है। देखो कभी कभार क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको मान के चलो आपको रेट निकालना है ना, रेट निकालनी है आपको, और आपको क्या दे दिया, आपको रेट निकालना है, आपको प्रिंसिपल दे देगा। मान लो चलो मैंने मान लिया आपको प्रिंसिपल दे दिया 3600 रुपये, प्रिंसिपल आपको 3600 रुपये दे दिया और बोल दिया कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का आपका जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1200 रुपये, और सीआई और एसआई का अंतर 100 रुपये, तो बताओ रेट क्या होगी? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को तो वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को करने के क्या है, 2 मेथड है। दिमाग लगाना सीखो बस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, प्रिंसिपल अगर 3600 है, 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 600, किस पर, प्रिंसिपल पर। तो रेट निकल कर आ गई आपकी 1/6 × 100, यानी कि 16 सही 2/3। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलता हूँ भैया यहाँ पर अगर प्रिंसिपल भी ना दिया होता, प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो कैसे करते, कैसे करते बताओ? प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो कैसे करते? 1200 रुपये आपका 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज 600 होता है, दूसरे साल का भी 600 होता है, और इसका 100 आ रहा है, ये किस वजह से आया, ये 1/6 की वजह से आया। बस भाई हम यहाँ रेट का ही तो गुणा करते हैं, तभी तो आता है। तो यहाँ बस इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो बात समझ में आ गई? और लोग फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला रटते हैं, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, फॉर्मूला कहाँ से पैदा हुआ? फॉर्मूला कंसेप्ट से ही तो पैदा होता है। आज आप मानते हो ना कि सर ये प्रिंसिपल है और ये रेट है, रेट। अब आप पहले साल का साधारण ब्याज क्या लिखोगे बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज क्या लिखोगे, प्रिंसिपल का दर से गुणा, दूसरे साल का प्रिंसिपल का दर से गुणा। ठीक है, अब यहां क्या होता है, यहां क्या आता है, इस ब्याज के ऊपर ही तो ब्याज आता है, प्रिंसिपल का दर से गुणा का दर से गुणा, तो कितना हो गया, PR² / 100 का हो स्क्वायर, वही तो आपका डिफरेंस है। क्लियर है, वही आपका डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर, हाँ तो यहां पर आप अगर 4 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना है तो क्या आ जाएगा बताओ? 4 ईयर का अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताएंगे तो कितना हो जाएगा? आप प्रिंसिपल को रेट से गुणा करते जाइए बस, और लास्ट
में 4 6 4 1 का गुणा कर देना, 4 6 4 1, बस इतना सा काम आप कर लेना 4 साल के लिए, इतना याद रखो और 4 6 4 1 याद रखो, आपका 4 साल तक का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसके पीछे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। सर थर्ड ईयर का, हाँ इसमें केवल थर्ड ईयर का पूछते हैं, और मतलब उसमें वो नहीं पूछते आपसे, फोर्थ ईयर का बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। सर टेस्ट में दिए थे 4 साल का, हाँ वो इसी तरीके से आए थे, 4 से 4 1, 2 साल ज्यादा रहता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि मान के चलो कोई पैसा आपका एन गुना हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कोई पैसा आपका एन गुना इतने समय में हो गया, तो इतना गुना कितने समय में होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे बोल दिया कि आपका जो पैसा है ना, आपका जो पैसा है वो 8 गुना हो गया 3 साल में, ये सात चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है ना। 3 साल में अगर 8 गुना हो गया, तो कितने साल में, 3 साल में अगर वो 8 गुना हो गया है, तो कितने साल में वह पैसा 64 गुना होगा। भाई जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको कहीं जाना है जा सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये इसी पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं बार बार, कि अगर 8 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, 1/3 बराबर, ऊपर लगा दिया, यहाँ कितना है मैंने 64 डाल दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 1/T2। अब आपको टाइम निकालना है, तो ये आपको निकालना है। अब मुझे बताओ ये आपका 8 बेस है, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपसे साफ साफ दिख रहा है कि कभी भी आप घात को सॉल्व करोगे, पावर को सॉल्व करोगे, तो इसको 8 का स्क्वायर लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2/T2। अब बेस बराबर है तो पावर्स भी आपस में आपको बराबर करनी पड़ेंगी, यानी कि T2 बराबर हो जाएगा 6 साल। तो यहां पर आपका लगेगा 6 साल में 64 गुना हो रहा है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अलग अलग चीज रखता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या चलता है, एक मल्टीप्लाई में चलता है, सेम में, यानी कि आपसे ये बोला जाए कि भाई कोई धन 5 साल में, 5 साल में हो रहा है 6 गुना, 6 टाइम हो रहा है, तो अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई में चलता है, मल्टीप्लाई 6 हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया अगले 5 साल में, यानी कि 15 साल में पैसा और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है, और ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो ये जरूर ध्यान रखना कि वो इंटरवेल्स में आएगा। यहाँ देखो ना, 5 5 5 5 आ गया, हर 5 साल में हमेशा इंटरवेल्स में बढ़ेगा वो पैसा, और मल्टीप्लाई बढ़ेगा, 1 से 6 गुना, 6 से 36 गुना, 36 से 216, इस तरह से, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब कल को क्या होगा, आपको अमाउंट दे देगा, यानी कि 2 साल में कोई पैसा, 2 साल में कोई पैसा 144 गुना हो जाता है, और 3 साल में कोई पैसा, सॉरी 4 साल में कोई पैसा 256 टाइम हो जाता है। तो आपको रेट निकालो। हाँ अमित जाओ क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि भाई साहब ऐसा है कि कभी भी आपको अमाउंट दे रखा है ना, ये अमाउंट होता है, और अंतर कितना है, 2 साल का अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 144 का रूट ले लेंगे,
और इस 256 का रूट ले लेंगे। ये रूट क्यों लिया? क्योंकि 2 साल का अंतर था। अगर 3 साल का अंतर होगा तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल का अंतर होगा तो 4 रूट लेंगे। तो यहाँ हो रहा है 12 से 16, इसको और काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि आपकी जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 33.1%। ये आपकी रेट आ गई, दर आ गई निकल कर। हम क्या करते हैं उसको साल भर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है? ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम बोले, जैसे कि हम बोलते हैं अभी कि, जैसे कि हम बोलते हैं अभी आपके सामने कि कोई धन 256 से कितना हो गया, कोई धन 256 से हम कह सकते हैं 625 हो गया, मान लो 4 साल में। तो रेट क्या है बताओ, रेट क्या है? आप आराम से निकाल सकते हैं इसको कि अगर आप ये देख रहे हैं 4 साल की बात है तो सर 4 रूट लेना है पहले, तो अपन को 4 रूट से क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। रेट कितनी हो गई? 25%। अब कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है माई डियर स्टूडेंट्स, अरे वो 5-7 मिनट वेस्ट हो गए थे ना आज, है ना? 5-7 मिनट वेस्ट हो गए थे, मैं मतलब दिक्कत आई थी तो मैं वो कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट अगला कौन सा है? अगला कॉन्सेप्ट ये है भाई कि एक सिंपल एक लॉजिक होता है इसके पीछे कि अगर आप कोई हाफ ईयरली रेट की बात करते हैं, यानी कि अगर आप जो दर है वो अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं, मैंने बोला था अभी वो चीज, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट आपकी अगर मान के चलो 10% है और आपका समय दे रखा है अपन को 1 साल, तो आप रेट को तो आधा कर दो क्योंकि रेट हाफ है। तो अब जो एक 10% का 1 साल का हिस्सा था, ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो 10% का 1 साल का हिस्सा था आप 5-5% के 2 हिस्सों में बांट दोगे, तो यानी कि 5-5% रेट हो जाएगी और उसके 2 साल हो जाएंगे, यानी कि दर आधी और समय दोगुना, ये कंसेप्ट है। अगर मैं क्वार्टरली की बात करता हूँ, क्वार्टर समझ रहे ना, क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टरली होता है मतलब हर तिमाही में, यानी कि 4 हिस्सों में मैंने साल भर को बांट दिया, यानी कि अगर रेट आपकी 20% है तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा? 5% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4/2 हो जाती है। इसी तरीके से टाइम आपका, अगर यहां पर आपको दे रखा है मान के चलो मैंने आपको दे दिया 3 महीने, तो वो 1 साल हो जाएगा। अगर मैंने आपको दे दिया 1 साल तो वो 4 साल हो जाएगा, यानी कि टाइम 4 गुना होता है, रेट आपकी 4/2 हो जाती है, तिमाही है ना। क्यों? क्योंकि भैया देखो 1 साल में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 1 साल में 3-3 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है? सर 6 महीने क्या होता है? छमाही यार अर्धवार्षिक होता है ना यार, तुम्हें बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है यार, तुम्हें तो सच में है ही नहीं यार ये तो, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछते हो भाई तुम, ना तुमने हाफ ईयरली भी नहीं दिया क्या 10वीं में, तो 6 महीने भी नहीं पता है आपको, इसको छमाही बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि मैं अगर 4 मंथ में अगर ब्याज दे रहा हूं, 4 4 मंथली हम ब्याज दे रहे हैं, है ना, 4 मंथली अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो दर क्या होगा बताओ? 4 मंथ का अगर ब्याज दे रहे हैं और दर आपने 15% मान ली, तो हम क्या करेंगे, इसको 3/5 कर देंगे, यानी कि 5% दर हो जाएगी और आपका जो समय है वो कितना हो जाएगा, अगर 1 साल है तो वो 3 साल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है हर तरीके से कि रेट को आप 3/5 कर लो और आप इसको टाइम को आप 3 गुना कर लो। तो यहां तक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है।
अब सारा खेल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे कल, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों क्वेश्चंस की फाइल मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। ये फाइल तो आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है? ये एक मतलब ये फाइल मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? यहीं से मिल जाएगी आपको, डाउनलोड हो जाएगी, अपडेट में भी डालने की कोशिश करूंगा, है ना? और सीआई भी डाल दूंगा, है ना? डिफरेंट ईयर होंगे तो डिफरेंस लेके कर सकते हैं भी शंकर, है ना? ये देखो इसमें मैंने वो डाल दिया है आपके लिए पूरा। ठीक है, ये सीआई की फाइल है पूरी की पूरी, ठीक है ना? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कॉपर का कोई एलिमेंट है। और फ्रेंड्स, कॉपर एक बहुत छोटी 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 बहुत चीजों से मिलके बना हुआ होगा ना। कोई भी कॉपर का एलिमेंट एक छोटी सी चीजों से मिलके बना होगा ना। और इस छोटी सी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या एटम बोलते हैं, क्या क्या परमाणु बोलते हैं, क्या बताइए? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या फ्रेंड्स, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या एलिमेंट की छोटी सी छोटी चीज को हम लोग परमाणु बोलेंगे, एटम बोलेंगे, बताइए? स्मॉलेस्ट एंटिटी, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या स्मॉलेस्ट एंटिटी एंटिटी ऑफ एलिमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यानी किसी तत्व की छोटी सी छोटी इकाई जिससे वो मिलके बना हुआ है, उसी को क्या आप लोग एटम बोलोगे क्या बोलोगे? अब मैं आप लोगों से बात करूं कि कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड को क्या मैं बोल सकता हूं, उनका बोल सकता हूं क्या, क्या प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स डेट आर केमिकली कंबाइंड। फ्रेंड्स, इसको केमिकली कंबाइंड क्यों बोला है, केमिकली कंबाइंड क्यों बोला है? क्या ये फिजिकली कंबाइंड है, क्या ये केमिकली कंबाइंड है? जैसे मुझे एक चीज बताइए, H2O है वो एक फिजिकली कंबाइंड है या फिर आप लोगों का केमिकली कंबाइंड है? देखो, फिजिकली कंबाइंड क्या होता है, यानी भौतिक मिश्रण क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पानी में आपने क्या डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी डाल दिया, तो फ्रेंड्स क्या एक नया फॉर्मूला थोड़ी बन गया, एक नई चीज थोड़ी बन, समझ रहे हो क्या? वो तो आप लोग एक फिल्टर से छानोगे तो मिट्टी फिर से अलग हो जाएगी, ये फिर से अलग हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें तो नए बॉन्ड्स बने हुए ना, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना, बताइए? ऐसे थोड़ी ऑक्सीजन में ऊपर से हाइड्रोजन लगा के ऊपर से टेप चिपका दी, क्या टेप थोड़ी चिपकाई है कि भाई दो हाइड्रोजन को पकड़ा, ऑक्सीजन को पकड़ा, टेप चिपका दी चारों ओर? क्या फिजिकली कंबाइंड थोड़ी है फ्रेंड्स, ये केमिकली कंबाइंड है, समझ रहे हो क्या? तो फ्रेंड, जैसे एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटिटी को आप लोगों ने क्या बोला, एटम बोला, सिमिलरली फ्रेंड्स अगर मैं पूछूं कंपाउंड की छोटी से छोटी चीज क्या होगी, फ्रेंड्स कंपाउंड किन से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, समझ रहे हो क्या? तो एटम में और मॉलिक्यूल में मैंने आप लोगों को पहले भी डिफरेंस बताया था, आज दूसरी तरीके से बताया है क्या, कि एलिमेंट की छोटी से छोटी चीज या स्मॉलेस्ट एंटिटी, न्यूनतम इकाई, छोटी से छोटी इकाई आपकी परमाणु होगी, जबकि कंपाउंड किससे मिलके बना हुआ है फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। क्लियर है क्या? चले आगे, इतनी बात हम लोग कर चुके थे। अब आगे हम लोग चलते हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, एटम छोटे होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बताइए फ्रेंड्स? ये बहुत छोटे होते हैं, क्या आप इनका द्रव्यमान, इनका मास क्या ग्राम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी भी 1 किलोग्राम का एटम, नहीं, इवन ग्राम में भी मेजर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है? तो लिखिए पॉइंट डाल के कि मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल कैन नॉट बी मेजर इन
ग्राम और केजी, इसको हम लोग ग्राम और केजी में तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, मेजर कर नहीं सकते, फिर हम लोग क्या करें? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लोगों ने एक नई यूनिट डिस्कवर करी, ठीक है, एक नई यूनिट डिस्कवर करी जिसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10^-27 kg। देखो आप, क्लियर? अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, मतलब हाइड्रोजन आप लोगों का सबसे फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है, समझ रहे हो क्या? जानवी जी बोल रही है हाय रब्बा, ये क्या चल रहा है, हाय रब्बा, ये रब्बा वो रब्बा, पढ़ाई में ध्यान दो, क्लियर है क्या? देखो अब देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कंपैरिजन करते हैं, जैसे मान लीजिए तराजू होता है ना, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार एक एटम को एक तरफ रखूं और एक तरफ 1 किलोग्राम का बाट रखूं। अगर आप लोग मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग 4 किलो चीनी लेने जा रहे हैं, 2 किलो चीनी लेने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो जो भी आप लोग दुकानदार है वो तोल रहा है ना उस चीज को, तो एक तरफ बाट रखता है नहीं रखता बताओ? तो अगर आपने 2 किलोग्राम चीनी लेके आया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्या कि उसने 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम के 2 बाट रखे होंगे, मालूम समझो, बोल सकता हूँ क्या मैं? तो यानी अगर उस 2 किलोग्राम चीनी को मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो 1 किलोग्राम का जो बाट है ना, उसका ये 2 गुना है, उसके दुगुने के बराबर, यानी 2 बाट के बराबर वो आपकी चीनी है। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को परमाणु का द्रव्यमान नापना है, ठीक है, यानी एटम का यदि आप लोगों को मास मेजर करना है, तो फ्रेंड्स किसी के रिलेटिव में करोगे ना, किसी के सापेक्ष करोगे, तो किसके सापेक्ष आप लोग करोगे, क्लियर? वो चीज हम लोगों को देखना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या माना, हमने हाइड्रोजन को पहले एएमयू माना, हमने हाइड्रोजन के एलिमेंट को, हमने हाइड्रोजन को एएमयू मान रहे थे, हाइड्रोजन को एएमयू मान रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप लोग कार्बन का निकाल रहे थे, हीलियम का निकाल रहे थे, लिथियम का निकाल रहा था, तो फ्रेंड्स वो डेसिमल में एक नंबर आ रहा था, जैसे 1.25, 1.29, 1.28 है ना, या 3.75, हमको एक होल नंबर चाहिए थी, पूर्ण संख्या चाहिए थी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक ऐसी चीज देखी कि हम लोगों ने देखा कि अगर मैं इस चीज को स्टैंडर्ड मानूंगा, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में यदि मैं देखूंगा कि भैया कार्बन का कितना मास है, हाइड्रोजन का कितना मास है, ऑक्सीजन कितना है, तो फ्रेंड्स वो क्या आ रही थी, एक होल नंबर आ रही थी, पूर्ण संख्या आ रही थी, क्लियर है क्या? तो बेसिकली 1 AMU क्या है, ये 1 AMU किसके बराबर हुआ, ये जो 1 AMU है ना, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर हो गया, इट इज मास इक्वल टू, इट इज मास इक्वल टू 1/12 ऑफ, है ना, 1/12 भाग, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यानी फ्रेंड्स जो कार्बन का जो परमाणु है ना, अगर ये कार्बन का परमाणु है मान लो, और अगर मैं इसके 12 भाग कर लूँ ना, 12 भाग कर लूँ, 12 भाग कर लूँ, क्लियर है क्या? तो इस एक भाग का जो द्रव्यमान है ना, वो किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है, 1 AMU के बराबर है, समझ गए क्या? क्लियर? इसको फ्रेंड्स हम लोग यूनिफाइड, इसको हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, याद रखो, एटॉमिक मास यूनिट बोल लो या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्लियर? कुछ बच्चे फालतू में कमेंट कर रहे हैं, तो मैं वो सीधे ब्लॉक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उनको डिस्टर्ब ना करिए करिए आप लोग, ठीक है, आप लोग सोच रहे मैं इधर आ गया तो मैं कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ, नहीं यार, पढ़ने वाले हो कैसे ऐसे फालतू की बातें करते हो यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को, तो थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखा करो यार, घर में भी तो बैठते हो आप, घर में खाना खाते हो तब अपनी फैमिली के साथ बैठते हो, तब भी पापा मम्मी को कुछ भी बोलते रहते हो क्या, भाई इधर आ तू उधर आ, नहीं तो उधर बैठ तू इधर, तो डेकोरम मेंटेन करो यार, ये भी अपना एक घर है, एक मंदिर है, अपन पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं,
इसकी इज्जत नहीं करोगे तो जिंदगी में हमारी भी इज्जत नहीं होगी कभी, अगर इस पढ़ाई की शिक्षा की इज्जत नहीं कर रहे तो आप लोग, ठीक है? क्या कमेंट करते रहते हो फालतू में, और अब्बा मेरे पता नहीं क्या क्या। तो आपको लगता है कि ऐसी नौकरी लग जाएगी? नहीं लगेगी नौकरी, नहीं लगेगी आपकी। ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये आज का रिकॉर्ड बोल रहा, आज तक का रिकॉर्ड बोल रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा। हंसी मजाक करो अच्छी बात, लेकिन जब पढ़ रहे हैं, जब मैं अपन को टाइम मिले बीच में 2-5 मिनट तब करो ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, आज तक मना थोड़ी करा कि आप हंसी मजाक क्यों करो, करो, लेकिन जब पढ़ रहे हैं वो तो समझो। और अगर आप लोगों ने पढ़ रखा ही, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो, क्योंकि आपकी तो आदत है 10 जगह पढ़ने की, 20 जगह पढ़ने की, 50 बार पढ़ने की, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो उससे आप लॉस तो आप करवा चुके, क्योंकि अगर एक ही चीज अगर आप 50 बार पढ़ रहे हो तो फिर किस चीज के स्टूडेंट हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो इधर वापस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जो पढ़ने वाले उनको क्यों खराब कर रहे हो? क्लियर है क्या? समझो बात को। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोगों को किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान मापना है, किसी भी एटम का यदि आप लोगों को मास मेजर करना है, तो फ्रेंड्स किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? मैंने क्या लिया, जैसे मान लीजिए आप लोगों को तराजू लिया आप लोगों ने, ठीक है, तराजू आपने फ्रेंड्स इधर क्या रखा, कार्बन का एटम होता है ना, कार्बन का एटम, कार्बन का जो एटम होता है ना, कार्बन का परमाणु, आपने 12, एक बार रुको मुझे चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। करेंट चार्जर ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, जैसे आप मार्केट में जाते हो वहां पर कितने बाट रहते हैं ना, बाट जानते हो, 10 ग्राम, ये 100 ग्राम का बाट रहता है, 500 ग्राम का बाट रहता है, 1 किलोग्राम का बाट रहता है, 2 किलोग्राम का बाट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हमारे पास में एक ही बाट है, आप बोलो कि वो बाट कितने का है फ्रेंड्स, वो बाट है 1 AMU का। आप बोलोगे ये कितने के बराबर होता है, तो ये अभी मैंने बताया 1.67 × 10⁻²⁷ kg के बराबर होता है। आप लोग बोलोगे कि इतना छोटा बाट आपके पास में आया कहां से, तो मैं बोलूंगा कि जो कार्बन का एक एटम था, परमाणु था, इसके मैंने 12 टुकड़े करे, उस एक टुकड़े को मैंने किस में रख दिया, एक तराजू में रख दिया, समझ गए क्या, समझ गए क्या? फिर मैंने यहां पर लाके रख रहा हूं, कभी हाइड्रोजन का एटम लाके रख रहा हूं, फिर देख रहा हूं वो कितना गुना है, फिर कभी नाइट्रोजन का लाके रख रहा हूं, तो मैंने जब अलग अलग लाके रखे तो मेरे को क्या मिला कि जब मैं हाइड्रोजन का लाके रखा तो फ्रेंड्स उसका द्रव्यमान बताऊं कितना आया, वो 1 AMU के बराबर आया। यानी क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि उसका द्रव्यमान लगभग लगभग जो कार्बन का परमाणु है ना, अगर उसका मैं बट्टे 12 कर दूं, उसके बराबर है ये। वैसे एग्जैक्टली 1 AMU नहीं होता ये फ्रेंड्स, 1.008 AMU होता है, लेकिन हम लोग इसको 1 AMU मान सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर आप मुझे बताइए, सोच समझ के मुझे बताइए, कार्बन के एटम का द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, मुझे खुद बताओ, सोच समझ के बताओ फ्रेंड्स। कार्बन का जब 12 भाग करोगे, उसको 12 12 12 भाग करोगे ना, 12 भाग में तोड़ लिया, तो एक भाग का 1 AMU है, तो टोटल सबको मिला लोगे, कार्बन का अगर परमाणु बना लोगे आप लोग तो 12 AMU के बराबर हो जाएगा क्या, बताओ? क्योंकि 1 AMU किसके बराबर होता है, कार्बन के 12वें भाग के बराबर, परमाणु के 12वें भाग के बराबर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर? नेक्स्ट में बात करता हूं नाइट्रोजन का, बताओ नाइट्रोजन का, बताओ फ्रेंड्स, सिर्फ 14 AMU होता है। क्लियर? तो आप लोगों को कुछ मास है याद रखना है, सम इंपॉर्टेंट एटम मासेज, एटम मासेज, समझ गए क्या? जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है,
ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? ये 16 AMU के बराबर होता है, समझ गए? सोडियम के एटम का कितना होता है जरा बताइए? वो 23 U के बराबर होता है, AMU के बराबर होता है। क्लियर है क्या फ्रेंड्स? अगर मैंने आप लोगों को बोला ये आप किसका मास निकाल रहे हो, क्या परमाणु मास निकाल रहे हो, क्या एटम एटम की मास निकाल रहे हो, क्या परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, तो क्या आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो क्या, कि मॉलिक्यूल का कितना मास होगा? चलो निकाल के देखते हैं, देखते हैं कितनों को पता है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कैलकुलेट कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, यानी आपको अब अणु का द्रव्यमान निकालना है। अब अणु का द्रव्यमान निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। जैसे मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को बोला HCl, जरा मुझे बताइए ये एक आपका एटम है ये मॉलिक्यूल है? फ्रेंड्स ये HCl एक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन के एटम से और क्लोरीन के एटम से बना है ये, ठीक है, मॉलिक्यूल है, इसका निकालो। तो आप जानते हो फ्रेंड्स हाइड्रोजन का, इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। फ्रेंड्स हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU होता है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लोरीन का जो एटम होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? याद रख लो उसका 35.5 AMU के बराबर होता है। तो टोटल इस अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 36.5 AMU हो गया, क्या बताओ? क्लियर है क्या? यदि मैं आपसे पूछूं इस CO2 मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का आप लोगों को द्रव्यमान बताना है इस अणु का, तो इस अणु में क्या है, ये अणु कैसे बना, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है? एक कार्बन के एटम से और दो ऑक्सीजन के एटम से। तो कार्बन के एटम कितना है? 1 है। एक एटम का मास कितना होता है कार्बन के? 12 AMU होता है। और ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स? 16 AMU होता है। लेकिन आपके पास में कितने हैं? दो है ना, तो 16 दूनी 32, 32 34 44 AMU आपका। समझ गए क्या? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे चले हम लोग, जल्दी से मुझे बताइए आगे चले क्या, ठीक है? अब आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि तो दोनों ही चीजें रिलेटेड है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगी। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मोल होता क्या है, मोल होता क्या है, तो फ्रेंड्स मोल क्या है? इट इज जस्ट अ नंबर, ये जस्ट एक नंबर है, जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, ये एक संख्या है और कुछ भी नहीं है। मोल कुछ भी नहीं है, एक संख्या है। और ये कितनी संख्या के बराबर है? 6.022, 6.022 × 10 की पावर 23। जैसे आप लोग बोलते हो मेरे पास में एक दर्जन सेब है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं मान सकता हूं कि आपके पास में 12 सेब है? तो दर्जन होता क्या है, दर्जन होता क्या है, दर्जन एक नंबर ही तो है जो 12 के बराबर है। तो सिमिलरली मोल भी एक नंबर है। अगर मैं बोलूं मेरे पास में 1 मोल सेब है, यानी मेरे पास में इतनी सेब है, 6.022 × 10 की पावर 23। और फ्रेंड्स इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, समझ गए क्या? और इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? कैपिटल एन और यहाँ पर नीचे ए। समझ गए क्या, समझ गए क्या बताओ? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मुझे द्रव्यमान बताइए, मास बताइए, आप बोलेंगे किसका? मैं अगर आपसे पूछूं मास ऑफ 6.022 × 10 की पावर 22, इन एटम्स का मास ऑफ 6.022 × 10 की पावर 22 ऑफ कार्बन एटम, एटम्स ऑफ कार्बन, इतने एटम्स का, इतने परमाणु का, कार्बन के इतने सारे परमाणु को आप लोगों का द्रव्यमान निकालना, बताइए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या आप लोगों को 1 मोल का द्रव्यमान निकालना, 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन का, बताओ क्या मैं बोल सकता हूं क्या? 1 मोल का निकालना है यार, बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो यार कार्बन का जो एक एटम होता है ना, समझ रहे हो क्या? कार्बन का जो एक एटम होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या? 12 AMU, बताइए।
या मैं बोल सकता हूं क्या, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी। फ्रेंड्स ये किसका द्रव्यमान है, कार्बन के एक एटम का या एक परमाणु का बोल सकता हूं क्या, बताइए। लेकिन मुझे फ्रेंड्स एक एटम का नहीं चाहिए, मुझे कितने का चाहिए, एक मोल का। आप जानते हो एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है, तो एक मोल का कुल द्रव्यमान कितना हुआ, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से गुना कर देना चाहिए क्या मुझे, बताओ। तो ये आपका किलोग्राम में आ जाएगा, अगर आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 3 कर दूं कि इतने ग्राम आ जाएगा क्या। और प्यारे दोस्तों जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे ना तो देखो चेक करो 12 ग्राम आ रहा है क्या आपका, देखो चेक करो एक बार, और आप चेक करोगे 12 ग्राम ही आएगा, बताओ। और 12 ये जो ग्राम आया ना, इस 12 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बता सकता है कि इस 12 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, इसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। आप लोग बोलेंगे मोलर मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या ये एक मोल का मास है क्या, बताइए क्या ये एक मोल का मास है क्या, बिल्कुल है फ्रेंड्स। इसको एक नाम से और जाना जाता है क्या, आप लोग याद है क्या आपको, एक नाम से और जाना जाता है, कोई बता सकता है क्या, बताओ, एक नाम से और जाना जाता है इसको। पढ़ ली आपने केमिस्ट्री, बहुत बार पढ़ ली मुझे पता है, बहुत बार पढ़ी आप लोगों ने, बताओ तो आंसर, एक नाम से और जाना जाता है, गलत है भैया, तुमने बहुत बार पढ़ी मुझे केमिस्ट्री, गलत है गलत है गलत है, और पढ़ो केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया, एक का भी सही जवाब नहीं है। ये होता है फ्रेंड्स आप लोगों का ग्राम एटॉमिक मास भी हम लोग इसको बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे क्यों बोलते हैं, क्या समझे क्या इसको, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, बताऊं क्या क्यों बोलते हैं, बताऊं क्या क्यों बोलते हैं, बताऊं, देखो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं कार्बन के एक एटम का द्रव्यमान कितना है, तो क्या आप लोग बोल सकते हो क्या 12 AMU है सर, क्या बोल सकते हो क्या, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 AMU है। मैं अगर पूछूं कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, तो प्यारे दोस्तों आप क्या करो, AMU हटा दो, ग्राम लगा दो चुपचाप से, वो ये हो गया, बताओ क्या दिक्कत है, समझ गए क्या, AMU की जगह ग्राम लगा दो, इसलिए इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या ये चीज आप लोगों ने पहले सीखी है, नहीं सीखी ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए चुपचाप से शांति से पढ़ो, बढ़िया। चलिए आगे, थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो प्रोटीन का जो मास होता है ना वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी होता है, और प्यारे दोस्त यही आपका 1 AMU के बराबर होता है, यही आप लोगों का 1 AMU के बराबर होता है। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, अभी तो आप लोगों ने बोला कि कार्बन का अगर मैं कोई परमाणु लूं और उसके 12 हिस्से करूं तो वो एक हिस्सा 1 AMU के बराबर होता है, आप लोग तो बोल रहे हो प्रोटोन के बराबर, मैं आपको बोलूंगा कि कान यहां से पकड़ लो यहां से पकड़ लो, बात एक ही है, अभी समझ में आ जाएगी कैसे। मैं अगर आप लोगों से पूछूं मास ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, हालांकि हल्का सा थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इसको हम लोग 1.67 ही हम लोग मान के चलते हैं, लगभग लगभग बराबर, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, बताइए। और फ्रेंड्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोगों को पता ही है क्या, 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 के जी, यानी यार तो बहुत छोटा हो गया, इसको मैं नेगलेक्ट मान सकता हूँ क्या यार, इसके कंपेरिजन में देखो, बताओ -31 है यार, ठीक है। अब प्यारे दोस्त मुझे बताइए आपके पास में कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन के एक एटम में हालांकि हम लोग प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे,
लेकिन मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि कार्बन के एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, आपको बताया कि 6C12, मतलब प्रोटॉन की संख्या 6 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, और आप लोगों को पता होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, बताओ बात को, समझ रहे हो क्या बात को? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कार्बन एटम का द्रव्यमान बताओ, कार्बन एटम का द्रव्यमान बताओ, अगर मैं आपसे कार्बन एटम का द्रव्यमान पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे? 6 प्रोटोन का जोड़ लूं क्या, 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ लूं क्या, 6 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ लूं क्या, बताइए प्यारे दोस्तों, बताओ जोड़ लूं क्या, जल्दी से बताइए भैया, कार्बन के एटम में क्या होते हैं, ये सभी चीजें तो इन सबका जोड़ लिया। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो इसको क्या मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूँ क्या? मान सकता हूँ। बचे कितने? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग समान, लगभग लगभग क्या है, समान है, तो इसको क्या मैं 12 प्रोटोन के बराबर लिख सकता हूँ क्या? पर एक प्रोटोन के मास को अभी आप लोगों ने क्या बोला है, 1 AMU, तो कार्बन एटम का द्रव्यमान कितना हो गया, 12 AMU हो गया, नहीं हो गया बताओ? तो यही बोल रहा हूँ, कान वहां से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो, बात एक ही है। तो कार्बन के चाहे बट्टे बारहवीं भाग को आप लोग क्या बोलते हो वो बोल लो, या प्रोटोन को बोल लो, बात एक ही तो है, समझ गए क्या? जल्दी से मुझे बताइए। ये स्लाइड बढ़िया ना, ये थोड़ी डार्क वाली थीम अच्छी है, डार्क वाली ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और रिपीट करवाता हूँ, मुझे एक चीज बताइए, ऑक्सीजन का जो एटम होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है ना, ये 8O16 से हम लोग लिखते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, बस अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटोन। तो फ्रेंड्स इसमें प्रोटोन की संख्या 8 होती है, जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिए, यानी इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन 8 है। अगर मैं आप लोगों से ऑक्सीजन के एटम का मास पूछूं, एटम का मास पूछूं, मैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भैया 8 तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और 8 न्यूट्रॉन का। और प्यारे दोस्तों इसको आप लोग नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नगण्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगभग बराबर होता है, तो उसको मैं 16 प्रोटॉन बोल सकता हूँ क्या? और एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को आप लोग जानते हो क्या बोलते हो, 1 AMU। तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो 16 AMU आ गया, नहीं आ गया बताइए, बताइए। इंक कलर चेंज, आपको मतलब कमी निकालनी ही निकालनी है, क्या दिक्कत है इस इंक कलर में, क्या मैं जान सकता हूँ क्या? इंक कलर चेंज करो, क्या दिक्कत है, तब बढ़िया तो है, बस कमी निकालनी है जिंदगी में, कमी तो निकालोगे आप और क्या करोगे, इतना बढ़िया कलर है। ठीक है, समझ गए क्या बात को, आगे क्लियर है क्या? तो चलो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आप लोगों को बोला कि मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो, आप जानते हो टोटल द्रव्यमान कितना दे रखा है फ्रेंड्स, मुझे बताइए। 1 मोल अगर मैं ऑक्सीजन लूंगा, 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा मुझे बताइए, छोड़ो प्यारे दोस्तों इधर देखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का, ऑक्सीजन के 1 एटम का द्रव्यमान कितना होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, क्या 16 AMU के बराबर होता है क्या बताइए? और अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान बताओ, 1 मोल का, 1 मोल का द्रव्यमान बताओ,
तो आप लोगों को क्या करना है, ये 16 की जगह साथ में जो एएमयू लग रहा है ना, इसको हटा के ग्राम लगा दो। समझ गए क्या? अब भैया एक मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है, तो आपके पास यदि टोटल 64 ग्राम है, तो आपके पास में कुल मोल कितने होंगे? 4 मोल होंगे, नहीं होंगे? तो 4 मोल आप लोगों का राइट आंसर होगा। समझ गए क्या? बताओ, समझ गए? चले गए आगे? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आप लोगों ने कभी प्लस में? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया? किसने पढ़ाया था? मुझे प्राइम ने पढ़ाया होगा। अच्छा, ओके, चलो अच्छी बात है। तो फिर तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? तो पुराने लेक्चर्स जो आप लोग देख सकते हो, सबने पढ़ा रखे हैं ना, हर फैकल्टी ने पढ़ा है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का, आप लोगों ने क्या करा है, 64 में 16 का भाग दिया तभी तो 4 आया है। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स का मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि मास गिवन, यानी दिया गया द्रव्यमान, मास गिवन बटे, इसको मैं क्या मोलर मास लिख सकता हूँ क्या, बताइए? मोलर मास लिख सकता हूँ क्या, बताओ? क्या यही फॉर्मूला है क्या? क्या यही फॉर्मूला है क्या, बताओ बताओ? क्लियर? एक क्वेश्चन और दे दूं। मैंने आप लोग क्वेश्चन बोला, मैंने आप लोग क्वेश्चन बोला, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन, सर कुछ दिन से अनअकैडमी पर कीबोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा नहीं करता है या सभी का? कौन सा कीबोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है आपको? तो आप लोगों को 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम आप लोगों को दे रखे हैं, यानी आपके पास में नाइट्रोजन के परमाणु दे रखे 28 ग्राम। जरा बताइए इसमें मोल कितने हैं? तो अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स का, मैंने फॉर्मूला बताया, मास गिवन कितना द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों, मास गिवन कितना है, 28 ग्राम दे रखा है क्या? और इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होता है आप लोग बोलेंगे कैसे निकाले? तो देखो, नाइट्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है बताना, एक एटम का, कि एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है जल्दी से मुझे बताइए, क्या 14 AMU के बराबर होता है क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का द्रव्यमान कितना होगा, भैया एएमयू को हटा के ग्राम लगा दो, 14 ग्राम, ठीक है? यानी इसका जो मोलर मास होता है वो 14 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, क्या 2 मोल आ गए क्या, बताओ? क्या 2 मोल आ रहे हैं क्या, बताओ? समझ में आ गया मोल क्या चक्कर है, कैसे आता है, एएमयू क्या है, ये क्या है? समझ गए? और कराऊं? चलो चलो, मुझे बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 32 ग्राम आपके पास में सल्फर के एटम दे रखे हैं, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करो, किस कितने मोल होंगे बताओ? तो फ्रेंड्स, आप जानते हो सल्फर के एक एटम का, सल्फर के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? सुना है क्या आप लोगों ने? सॉरी, सल्फर का जो एटम है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 16। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। 16 मतलब भैया, यानी 16 और 16 32 प्रोटॉन बोल सकते हैं, 32 AMU हो जाएगा यार, 32 AMU। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर के एक मोल का द्रव्यमान बताओ, एक मोल का, तो भैया AMU को हटाओ, ग्राम लगाओ। तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे, मोलों की संख्या पूछे,
तो फॉर्मूला क्या है, मास गिवन कितना द्रव्यमान दिया गया है, 32 दिया गया है, आणविक द्रव्यमान कितना है वो भी 32 है, तो यानी एक मोल हो गए क्या? क्या मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? चले क्या आगे बताओ। तो ये तो कहानी थी आपके, किसकी फ्रेंड्स? कहानी किसकी बता रहा था मैं? परमाणु और अणु की बता रहा था, लेकिन बताते बताते मैंने मूल की बातें भी बता दी है ना। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पढ़ी थी ना, इसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे, क्या दिक्कत थी, इसके मेरिट्स भी देखे थे भैया, इसकी अच्छी बात क्या थी। हम लोगों ने परमाणु देखा, हम लोगों ने अणु देखा था, क्लियर। हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था कि आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो आप लोगों का होमो मॉलिक्यूल्स, यानी अगर एक ही तरीके से एटम से बना हो, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से बना हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बने से बना हो, और एक हम लोगों ने देखा था हेट्रो मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग प्रकार के यदि एटम से मिलकर वो आप लोगों का मॉलिक्यूल बना है, डेट विल बी हेट्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटोमिसिटी भी हम लोगों ने देखी थी कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें कितने एटम यूज हो रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन की बात करो तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन क्या होता है, आप लोगों के चक्कर क्या है, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना क्यों रहा है, अब इसकी कहानी है, चलो आगे देखेंगे। हाइड्रोजन फ्रेंड्स स्टेबल नहीं है, कोई मुझे बता सकता है कि कोई स्टेबल नहीं है? चलो छोड़ो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन अपना सिंगल स्टेट में क्या है, स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के एटम से मिलके साथ में एक मॉलिक्यूल बनाता है, डेट इज एच टू, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो फ्रेंड्स इसमें कितने एटम यूज हुए जरा मुझे बताइए, एटम कितने यूज हुए? दो हुए ना, दो हुए ना, तो एटोमिसिटी हाइड्रोजन की कितनी होती है? दो होती है, समझ गए क्या? तो फ्रेंड्स ये वाली बात भी हम लोग कर चुके थे, आई थिंक यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आयन क्या होता है, देखो फ्रेंड जैसे मैं अगर बात करूं कार्बन की, ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पे क्या अभी कोई चार्ज है क्या, कोई आवेश है क्या इस पे? नहीं है। जैसे मैं बात करूं 6C12 कार्बन, आप लोगों को कार्बन का एटम दे गया है, इस पे फ्रेंड्स कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। आपको पता है कोई चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है फ्रेंड? 6 है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 6 है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये +6 के बराबर आ जाएगा और ये -, के बराबर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 0 हो जाएगा ना, मतलब न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा ये। अगर फ्रेंड्स अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यानी नेट चार्ज ज्यादा, नेट चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है, यानी वो आ रहा है तो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर प्यारे दोस्तों अगर ये 6C12 था, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चल जाता तो प्रोटोन तो 6 ही रहते, इलेक्ट्रॉन 5 रह जाते। बेसिकली फ्रेंड्स आपके पास में 5 प्रोटॉन का जो चार्ज था वो 5 इलेक्ट्रॉन से कट जाता है, एक प्रोटॉन का चार्ज बचता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फ्रेंड्स नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन हम लोग त्यागते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इतनी बात समझ में आई क्या? आ गई। तो फ्रेंड्स अगर किसी पे चार्ज होता है, क्लियर, अगर कोई नेट चार्ज होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। जैसे मैं बात करूं सोडियम आयन की, फ्रेंड्स इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये आपका कैटायन है या एनायन है? ये कैटानायन, डायन, धनायन। धनायन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? आंख बंद करके बोलो, पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। आप बोलोगे जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है।
फ्रेंड्स एक्चुअली मैं बात बताऊं कि जो सोडियम का एटम होता है इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा था अब वो नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नेगेटिव चार्ज नेट चार्ज जब बढ़ जाएगा ना पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो फ्रेंड्स सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, यानी नेट आवेश 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हो क्या? बताओ। बात करते हैं फ्रेंड्स एनायन की, ऋणायन की, आंख बंद करके जवाब दो। सीएल माइनस, ध्यान से देखो क्लोरीन के ऊपर माइनस है, माइनस क्यों आया होगा जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? यार इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और वो आ रहा है तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज तो ला रहा है। तो फ्रेंड्स क्लोरीन के आयन में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या 17 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है ना, एक ज्यादा है यार, नेगेटिव वाला है, डोमिनेट करेगा, यानी नेट आवेश -1 के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन ही उठ के क्यों जा रहा है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जा रहे है? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बताइए, दो चार के मन में आ रहा होगा, सबके मन में नहीं तो बताओ। तो ये आपका प्यारा सा स्वीट होम है, ठीक है, प्यारा सा घर है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। जो डाकिया आपके घर में डाक देने आता है, पोस्टमैन जो आता है वो आपके घर पे देता है, गेट पे देता है, सीधे अंदर आते आते आपके बेडरूम में घुस जाता है, आपके अलमीरा खोल के उसमें ड्रॉर खोल के उसमें से पूरा अंदर का खोल के उसमें जाके रखता लिफाफा। बताओ भाई, घर घुस गया अंदर, गेट खोल लिया, ऊपर स्टेज में चढ़ गया, फिर एक गेट खोला, फिर आपके रूम का गेट खोला, फिर अलमीरा खोला, फिर ड्रॉ खोला, फिर उसमें जाके लेटर रखता है क्या आपके? तो क्या होता है, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर बैठा है तिजोरी में, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर, तो ये आ सकता है जा सकता है, समझ रहे हो क्या? समझ गए क्या? तो भाई ऐसी कहानी अगर मान लो घर में कोई ऐसा रख के जा रहा है तो आप ऐसे नींदों में नहीं, अरे यार सर ने बताया था पोस्टमैन आया होगा, हाँ भैया रख दे 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 अलमीरा में, हाथ दे दे, हाँ चाबी वाली निकाल ले बढ़िया आराम से, रख दे उसमें, पता पड़े वो दूसरा ही तार जिंदगी भर का वो दे गया वो आपको डाक, ठीक है चलो। सही में डाकिया था, डाक बोलते ना, डाकिया मतलब चोर टाइप का भी मतलब एक वर्ड होता है ऐसे देशी भाषा में। चलो अब हम लोग बात करते हैं डॉल्टन्स ने, फ्रेंड्स क्या बोला था डॉल्टन ने क्या बोला था कि जो आपका एटम है डेट इज इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब वो किसी चीज से मिलके बना हुआ नहीं है, छोटा सा छोटा है, यही बोला था ना डॉल्टन जी ने। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, हम लोग ये चीज मान के चल रहे थे 19वीं शताब्दी तक, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भैया जो परमाणु है वो अविभाज्य है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए, जे जे थॉमसन के हुए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए, नील्स बोर ने, जेम्स चैडविक ने, इन्होंने जो इंडिविजिबिलिटी थी ना कॉन्सेप्ट था, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम यानी परमाणु को अविभाज्य का जो क्या था फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट था ना, इन्होंने उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। आप जानते हैं फ्रेंड्स एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो कैसे इंडिविजिबल कैसे हो सकता है वो, मतलब किसी से मिलके तो बनाया ना, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या प्यारे दोस्तों? कहाँ से हो आप में से, जयपुर से कितने जन हो, कोलकाता, बिहार, अजमेर, गुजरात, सब जगह से बैठे हो, एमपी, यूपी, देखो पूरे इंडिया पढ़ रहा है आपके साथ में, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, फिर भी आप ऐसी बातें करते हो, कितने लकी हो आप,
कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, पूरे प्यारे हिंदुस्तान में सब जगह से बच्चे देख रहे हैं आपस में एक क्लास में। कहीं आप ऑफलाइन क्लास में जाओगे, दो चार झिंगुर इधर उधर के टीचरे वीचरे मतलब आपकी कॉलोनी के आसपास के आएंगे, यहाँ पर देखो एक जयपुर का एक गुजरात का, कितना बढ़िया बात है। ठीक है चले आगे, चलो आगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो हम लोगों को ये पता था डॉल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आपका एटम है वो अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, बट फ्रेंड्स उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उसका पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है क्या, तो बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये तो फ्रेंड्स स्थायी कण है, इसके स्थायी कण है, जबकि और भी होते हैं जो फ्रेंड्स कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स आते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन हुआ, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉनों का वाक दूसानी सारी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे क्या है फ्रेंड्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। क्लियर है क्या, चले आगे। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो ये बात हम लोग नहीं करेंगे, प्रोटोन की खोज कैसे हुई, हम लोगों को जो एग्जाम आता है हम लोगों को पहले वो पढ़नी है। तो ये टेबल आपके लिए एग्जाम के लिए सिंपल से इंपॉर्टेंट है जो आपके आते हो, मैंने आपको बता दी। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी, तो इसको तो आप लोग याद रख सकते हो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ईट पगन आचे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ईट से ई से इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटीन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। क्लियर है क्या, चार्ज आप लोगों को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल ही है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, बस इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। क्लियर है क्या, क्लियर। और मास आप लोगों को याद रखना है, ये 9.11 जो भी मैंने आपको बताया। क्लियर, देखो न्यूट्रॉन का देखो हल्का सा ये 672 है, ये 674 है, हल्का सा ज्यादा होता है चिन्ना सा। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं सम अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये तो कॉमन है, ये तो सब में मिलेंगे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो बहुत कॉमन है। क्लियर है क्या, प्रोटॉन का रदरफोर्ड नहीं है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है। ठीक है क्या, क्लियर है क्या प्रशांतन जी। तो फ्रेंड्स ये बात करते हैं, जैसे आपका पॉजिट्रॉन क्या है, आप लोगों का एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, डिस्कवर्ड बाय डायरेक एंड एंडरसन। न्यूट्रोनियो और एंटी न्यूट्रोनियो क्या है फ्रेंड्स, ये पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मास एंड नो चार्ज एज स्टेटेड बाय फर्मी। क्लियर, छोटा मास लेकिन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये सारे आपके सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स हैं, इनको छोड़ो। ठीक है, क्लियर। बुक में रदरफोर्ड दिखता है तो बुक के जो राइटर है वो आप लोगों को गोल्डस्टीन बता रहे हैं, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है प्यारे प्रशांत यादव जी, क्लियर है क्या। चले फ्रेंड्स, आप जानते हो एटम को, हम लोग को और भी चीजें पता पड़ी यार, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो फिर समझ में आ गया यार, ये एटम तो सबसे छोटा नहीं हो सकता यार, इलेक्ट्रॉन मिला हमको, प्रोटॉन मिला, सारी चीज समझ में आ गई। फिर फ्रेंड्स फिर रियल में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अब बताया कि एटम कैसा होता है। क्लियर है क्या, हर साइंटिस्ट ने अब एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया कि भैया एटम ऐसा होता है, कि इन्होंने क्या बताया एटम क्या होता है, तो अब हम लोग एटम के मॉडल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या, फ्रेंड्स पहला आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, इन्होंने क्या बोला, इनको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है ना, एटम परमाणु फ्रेंड्स, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि जो एटम है ना परमाणु, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स वो एम्बेडेड है, ऐसे जैसे आपके केक में ऊपर होते हैं ना फ्रेंड्स केशू वगैरह, बताओ, इसलिए इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला, जैसे वाटरमेलन में देखो आप फ्रेंड्स बीच में बीज बीज होते हैं ना, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे बीज के जैसे क्या है एम्बेडेड है, और बाकी पूरा क्या है पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है क्या, इन्होंने बोला एटॉमिक मॉडल है। तो फ्रेंड्स इनकी क्या पोस्टुलेट थे, ये चीजें मैंने सारे लिख दी, इनकी क्या अवधारणा थी,
मैंने आपको बताया कि एटम इज ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो एटम है ना, एक स्फेयर है, एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, जिसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन क्या धसे हुए हैं। क्लियर है क्या? लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है फ्रेंड्स। क्या लिमिटेशन है? कि जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा ना फ्रेंड्स, ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो लिमिटेशन क्या है? कुड नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। ने जो एक्सपेरिमेंट करा वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। आप बोलोगे रदरफोर्ड जी ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है? तो रदरफोर्ड जी ने क्या एक्सपेरिमेंट करा ये हम लोग देखेंगे कल, ठीक है दोस्तों? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे कल, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है, तो बाकी का हम लोग पढ़ेंगे कल। तो कल मैं सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लासेस का आपका टाइम हो गया होगा 4 बजे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, बाकी बोर्ड की चेक कर लेंगे ना, कल मिलते हैं, बाय, है ना, सेम टाइम, बाय बाय।